जो गमे फेराक का मारा है वही इश्तियाक तुम्हारा है। जी ये जो उस तीन दिन चलने वाला है तो क्या क्या प्रोग्राम है जैसे इसकी तफसील है? शहबाज रहमतुल्लाह अलैह का उर्स-ए- शरीफ आज शुरू हुआ जी, इसकी तारीख के बारे में मुझे बता दीजिए। जामिया शहबाजिया में बुध के रोज़ हज़रत मौलाना शहबाज मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के उर्से पाक का आगाज़ परचम कुशाई के साथ हुआ। इस मौके पर जामिया शहबाजिया अकीदत मंदों से भरा पड़ा था। सैयद अहरार शहबाजी ने उर्स के हवाले से तफसीली मालूमात फराहम की। सबसे पहले तमाम आलम इस्लाम और बिलखसूस देशवासियों को मखदूम शहबाज रहमतुल्लाह अलैह का 397वां उर्स शहबाजी बहुत बहुत मुबारक हो। और आज उर्स पाक का आगाज़ हुआ है। आज सबसे पहले परचम कुशाई और हुजूर साहिब सज्जादा की दुआओं के साथ उर्स का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ हुआ है। कुछ ही देर के बाद कुरान खानी होगी, फिर उसके बाद हज़रत सुल्तानुल आरिफीन शहबाज रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पाक पर चादर और कुल शरीफ का प्रोग्राम होगा। फिर रात में हज़रत शहबाज खिताबत हज़रत अल्लामा सैयद इश्तियाक आलम ज़िया शहबाजी की याद में एक मुशायरे का इनेकाद होता है, तरही मिसरा दिया जाता, और जो शहर भागलपुर और हिंदुस्तान के मशाहिर शोराए किराम हैं वो उस तज़मीन पर और उस तरह पर शेर कह कर लाते हैं और मखदूम शहबाज मोहम्मद और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में खिराज अकीदत पेश करते हैं। कल क्या प्रोग्राम? कल जामिया शहबाजिया से फारिग होने वाले हुफ्फाज़े किराम और जो आलिमियत और फजीलत का कोर्स करते हैं उनके सर पर दस्तार बांधी जाती है। मखदूम शहबाज रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पाक पर चादर पेश की जाती है, कुल शरीफ होता है और लंगर का अहतमाम कराया जाता है। यही सब प्रोग्राम होता है। फिर परसों आखिरी दिन भी मखदूम शहबाज रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पाक पर चादर पोशी और कुल शरीफ का प्रोग्राम होता है और महफिल समा का इनेकाद कराया जाता है। इस मौके पर जामिया शहबाजिया के उस्ताद मौलाना फारूक आलम ने हज़रत मौलाना शहबाज रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी पर रोशनी डाली। मखदूम शहबाज मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह आज से तकरीबन 500 साल पुराने बुज़ुर्ग हैं और ये जितने बड़े बुज़ुर्ग हैं उससे ज़्यादा बड़े आलिम हैं, यानी इल्म और बुज़ुर्गी दोनों आपकी ज़ात में जमा हैं। और अकबर बादशाह का जब ज़माना था तो मखदूम शहबाज मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह गया से चलकर भागलपुर तशरीफ़ लाए और फिर 65 साल तक आप यहीं तशरीफ़ फरमा रहे। यहाँ आपने इल्म को फैलाने के लिए, लोगों को इल्म से आगाह करने के लिए एक मदरसा कायम फरमाया जिसमें से हज़ारों तलबा पढ़ कर के फारिग हुए और पूरी दुनिया में उनका फैजान आज भी जारी और सारी है। सलाम ए सल्लम ए रसूल।
اسی شتیات غریب کا اسی مدح کا سلام. نیوز دا پیشن کے لیے جامعہ شہبازیہ ملا چک بھاگلپور سے گوہر عالم کی رپورٹ.